दिनों मैं हूँ रोहन साथे आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ हमारा नया ऑनलाइन प्रतियोगिता वर्ची ढेबे वड़े आयोजित सवाल मानाचा पैसा नानाचा पावर्ड बाय गावडे पुरी पीटी और स्पॉन्सर्ड बाय नाना हाथ भट्टी वाले कशाला कसरत तारे ची प्या पहिया थारे ची। हमारे दर्शक ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में सहभागी होंगे तो आइए मैं आपको इस प्रतियोगिता के नियम बताता हूँ। जीते भी आले होते ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है यानी कि कंपटीशन ऐसा है कि ऑनलाइन तो पावर इंची योगिता है ले। तो चलिए मैं आपको इस प्रतियोगिता के नियम बता रहा हूँ। इसके नियम है गेम में 5 सवाल रहेंगे जिसमें से 2 सवाल आपके ढेबेवाड़ी गांव से रिलेटेड रहेंगे। पहला सवाल होगा 1,000 रुपये के लिए, आखिरी सवाल होगा 25,000 रुपये के लिए। अगर किसी भी सवाल का आप गलत जवाब देते हो तो आप इस प्रतियोगिता से खाली हाथ वापस जाएंगे। आपके पास 3 लाइफलाइनें होगी जो कि 50-50, फोन अ फ्रेंड और एक्सपर्ट एडवाइस। और आज के हमारे एक्सपर्ट है श्रीमान तात्या जी गावड़े। तात्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। जी तो चलिए इसी मौके पे मुझे एक शेर याद आ गया है, ये खेल है मुश्किल। इसके स्पॉन्सर से नाना हाथ भट्टी एंड कुड़ी पिटी ऑफ गावड़े। ये खेल है मुश्किल, इसके स्पॉन्सर से नाना हाथ भट्टी एंड कुड़ी पिटी ऑफ गावड़े। जरा ध्यान से खेलिएगा जनाब, ये तो कभी भी लग सकते हैं आपके। वाह 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 फावड़े फावड़े। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रतियोगिता। पहला सवाल सबके लिए होगा, जो सबसे कम समय में जवाब देगा वही खेलेगा मेरे साथ सवाल मानाचा पैसा नाना। आपके लिए सवाल है, नीचे दिए गए पशुओं को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगाओ। आपके ऑप्शंस है ए टाइगर, बी बफेलो, सी डॉग, डी जेब्रा। आपका समय शुरू होता है अब। जेब्रा तो पहले पहला जो है और फिर बाद होते वक्त में नहीं क्या करूं। तो आपके रिजल्ट अब मेरे सामने हैं। आप में से 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय में जवाब दिया है उनका नाम है मिस्टर राजाराम म्हात्रे। सवाल माना जाता राजाराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रतियोगिता में। तो राजाराम जी हमें बताओ आप क्या काम करते हो? मान जी ना जाम जाम जे तू आईसी ना जाम लपके इन ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। तो राजाराम जी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो? मी क्या करते मैं ते क्या आपने नाना है ना नाना ओके दारू घेते बाजूच्या गावन विकते ओके आणि बाजूच्या गावांची आलू इथे आणते काय यो लपके तेवरा धंदे। ओ यानी कि आप ब्लैक मनी कमाते हो? मुलात ना मी यार रेसिज्मच्या विरोधात आहे समजले। ब्लैक मनी व्हाइट मनी काय नसते, घ्यायचं आणि नसते टीशर्ट करायचं एवढंच बस। ओके तो चलिए आपके लिए मैं पहला सवाल पूछता हूँ जो कि होगा 1,000 रुपये के लिए आपके गांव से रिलेटेड। तो आपके लिए पहला सवाल है ये, आपके गांव में किसकी शादी भाग के हुई है? ए पक्या, बी रम्या, सी नाना, डी पांडू। पक्याच्या लग्नात मी तर टाईट होऊन झोपलेलो, रम्याच्या लग्नात मला तर उलटी झालेली आणि नानाच्या लग्नात मी जो हळदीला झोपलो ना तो दुसऱ्या दिवशी उठलो, नाही तर पांडू असेल आता तोच असेल मला माहित नाही। कम्प्युटर जी डी पांडू पे ताला लगाइए। हां लाव लाव ओके राजाराम जी बिल्कुल सही जवाब डी पांडू, मुबारक हो आप जीत गए हैं 1,000 रुपये। पांडू की शादी भाग के हुई थी और उसके बाद इसको ससुराल वाले ने बहुत पीटा भी था। माला वाट ले ले थो। ओके तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपये के लिए आपका दूसरा सवाल है, अपने प्रतियोगिता के जो स्पॉन्सर है नाना परत जिनके हाथ भट्टी उनके कितने बच्चे हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। पहला तर मना तो बंटी है ना तो मना माहिती है तो आणि नानाचा जो मोठा पोरगा आहे ना
त्या बहिणीकडे शिकायला असतं एवढं माहिती आहे. ते बी आणि डी मध्ये असणं काहीतरी बघ काहीतरी. राजाराम जी अपनी पहली 50-50 लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, तो इसमें से दो गलत जवाब बता दीजिएगा. बी एंड डी ए नानाच एवढी लपली मला माहितीच ना. नानीला तरी माहितीच का ते करू सांग जरा. छापा आलं तर 3 पूर, काटा आलं तर 4 पूर मागे. छापा येईल 3 बरं आलं. नाना 3 याच्यावर थांबले 3 कर रे. हा 3 कम्प्युटर जी सी 3 पे ताला लगाइएगा. बिल्कुल सही जवाब. आप जीत गए हो 5,000 रुपए. नाना जी को 3 संतानें हैं, नील, नितिन और मुकेश उर्फ बंटी. आपने बड़े नील और छोटे मुकेश का जिक्र किया था, लेकिन आप नितिन को भूल गए. अरे मला माहितीच नव्हतं यो नानाचं तिसरं पोरग आहे. नानाचं स्ट्रॅक रेट कसलं खतरनाक आहे. राहिला तांबरे बाबाच्या कृपेने आले. बरोबर सर्व असू दे. तो चलिए इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया कि जब मैं जिंदगी से हारा ख्वाहिशों से मारा, कि जब मैं जिंदगी से हारा ख्वाहिशों से मारा, तो मेरे दिल का बटन मैंने यू करके दाबा. तो मेरे दिल का बटन मैंने यू करके दाबा. आज मैं जो कुछ भी हूँ ओनली बिकॉज ऑफ तांबड़े बाबा. ओनली बिकॉज ऑफ तांबड़े बाबा. राजाराम जी आपने 2 सवाल का सही जवाब देकर 5,000 रुपए तो जीत लिया है. अगला सवाल होगा 10,000 रुपए के लिए. तैयार रहिएगा. तैयार है, मैं तैयार है. अब आपको एक गाना सुनाई देगा. लाओ लाओ. कंप्यूटर जी प्लीज गाना लगाइएगा. ये गाना किस मशहूर गायिका ने गाया है? गायिका ए श्रेया घोषाल, बी सुनिधि चौहान, सी लता मंगेशकर और डी पूजा. कबूतर वाली गायिका कुठला आवाज है? काय करते मी एक पाइपलाइन घेते माझी. ती पाइपलाइन घे. आपकी एक्सपर्ट एडवाइस ये लाइफलाइन बाकी है, क्या आप वो यूज करना चाहते हैं? चालू कर. ओके चालू. कंप्यूटर जी एक्सपर्ट को स्क्रीन पर दिखाइएगा. क्या ताते है? क्या जेवन जेवन आई की मैं नहीं क्या करते हैं ते सांगितलं नाही. राजी साहब के जैसे जेवण मिळणार नाही. अरे माझं पण सेम आहे ना. नुसतं यात जावल्याशिवाय माझं जेवणच जात नाही. आणि बायकोला बी जावल्याची अलर्जी आहे ना. मग काय करायचं? मनाच बनवायला लागतं नुसतं यात जावलाय. असेल तर त्या पिंकीकडे पाठवून दे ना. आमच्याकडे पण संपलाय. काय पाठवून संपला तुझ्याकडे बी. राव दे. ऐकलं जरा आता जरा खाज. तुझं डोकं जरा खाज. आज रात्री 90 सोय करतोय मी. बघ ना आवाज जरा ओळखीचा वाटतोय मला, पण लक्षात येत नाही कोण असेल. कोण असेल काय कोणाचा? अरे हीच ती आहे. हीच हे कोणाचा आवाज आहे? हीच कुठं? अरे मेले ही आमची पिंकी आहे. तिला शादी साहेबची गाणी पाठवत नाही. ही कुठली गाणी म्हणणार आहे? ओ ही ना हिचं गाणं. गाणं गाणं हा हो काय. हा हीच आहे होय. अरे ही तर आपली ढिंचाक पूजा. तीच आपली हीच आपली ढिंचाक पूजा. मग हीच ना मग डी ढिंचाक पूजा. डी पूजा आहे ना तिला करा रे कर. चला तात्या धन्यवाद. चल तेवढं 90 बघा तेवढं. रात कंप्यूटर जी डी पूजा को ताला लगाइएगा और बताइएगा ये जवाब सही है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब. आप जीत गए हैं 10,000 रुपए. बहुत बहुत बधाई आपको. हाँ धन्यवाद धन्यवाद. आज का समय हमारा समाप्त हुआ है.
आज यही रुकना पड़ेगा। राजाराम जी के? हमारे साथ कल भी बने रहेंगे, कल इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। आशील टोपी लाऊन? जी जी बिल्कुल आएंगे इसी समय पे। हाँ अरे आज खेल टाकायच ना, एक काम कर जेवर जिंकले तेवरे पैसे दे, बाकी पूरी राशि कल ही एक साथ मिलेगी अगर आप जीते तो। इसी मौके के पे मुझे एक शेर याद आ गया है कि मंजिल मेरी तय है अब फिक्र नहीं नियत काली हो या गोरी, के मंजिल मेरी तय है फिक्र नहीं नियत काली हो या गोरी, रेरा चे कायदे लय मारा मारी आपली मोरी नी मुटायची चोरी।